हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया C12 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑन कैसे कर सकते हैं, और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये साउंड का, साउंड पर आपको इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब साउंड के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टच वाइब्रेशन का। टच वाइब्रेशन के इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी टच वाइब्रेशन सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप अब अगर अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी पेज पर होंगे या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर होंगे, अगर आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे ना तो आपका फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट करेगा। ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपके नोकिया C12 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये टच वाइब्रेशन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च सेटिंग का। सर्च सेटिंग पे आपको इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टच वाइब्रेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना वो आपको टाइप कर देना है इधर, तो आपको जो है ना ये नीचे की साइड में ऑप्शन शो हो जाएगा टच वाइब्रेशन का, ठीक है। जब ये आपको यहाँ पर ना एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये इस तरीके से ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है टच वाइब्रेशन, इसे आपको जो है ना सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका है आपके मोबाइल फोन में,